रेहड़ के उदयपुर से अपहृत 11 वर्षीय बच्ची नाट के ढंग से सकुशल घर वापस आ गई। बताया जा रहा है कि उदयपुर निवासी 11 वर्षीय बच्ची पास के गांव इमरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां एक युवक उसे अपने साथ ले गया। आरोप है कि उक्त युवक पहले भी गांव की एक बच्ची को बुरी नीयत से अपहरण कर ले गया था और पकड़े जाने के डर से बच्ची को आपत्तिजनक स्थिति में छोड़कर भाग गया था। बच्ची के लापता होने पर पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। फिलहाल बच्ची सकुशल घर वापस आ गई है। पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर कार्रवाई करने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात की है। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। क्या नाम है? स्कूल का नाम क्या तुम्हारे? इमरतपुर। कौन से क्लास में पढ़ती हो? तीन में। क्या हुआ था कल? कल मुझे भी लेके गए थे। कौन ले गए थे? मेरे चाचा। क्या नाम है उनका? मेघनाथ सिंह। जानती हो ना? हाँ। अच्छा, पहले आते थे तुम्हारे घर? हाँ। स्कूल में उन्होंने हमारे बड़े वाले सर से कहा था कि अच्छा ये इनकी मम्मी बीमार है, इन्हें भेज दो। अच्छा। तो हमारे गुरुजी ने भेज दिया था। तो बेटा तू चलेगी उनके साथ फिर? हाँ। क्या बताया था? मम्मी कहाँ बीमार है? कहाँ है मम्मी? शेरकोट में। शेरकोट में। अच्छा, कैसे लेगा? साइकिल से? हाँ। अच्छा, कहाँ लेके गया फिर? शेरकोट तो सुबह वाले तो छोड़ दी थी साइकिल। अच्छा। फिर टेम्पो में बैठ के फिर वहाँ गए थे काशीपुर। काशीपुर से सौ वाले से? हाँ, काशीपुर गए थे। काशीपुर फिर ट्रेन में बैठे थे, फिर मुरादाबाद। अकेले थे वही बस? हाँ। अच्छा, फिर मुरादाबाद किस समय गए तुम लोग? फिर हम 9-10 बजे पहुँच गए थे मुरादाबाद रात में। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वे मुझे छोड़ के भाग गए थे, फिर दूसरे वाले चाचा मुझे लेकर आए थे। तो बेटा उन्हें कैसे पता लगा तुम वहाँ मुरादाबाद में हो? उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। किसने? मेरे नाम चाचा ने। उन्होंने बता दिया था मेरे पास है लड़की? हाँ। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, ग्राम उदयपुर चांदपुर का रहने वाला। मेरी लड़की इमरतपुर बाल विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती है, रणवीर सिंह। लड़की का नाम काजल है। वो 11:30 बजे ले गया, मेरा मौसरा भाई है, और बहाना बनाया गया ना तेरी माँ के पेट में दर्द हो रहा, अरे चल तुझे बुलाया। अब जब मैं 1:30 बजे छुट्टी में लेने गया तो लड़की पहले ही गायब हो चुकी थी। गुरुजी ने बताया ना, वो तो ले गया तुम्हारा रिश्तेदार, और मैं क्या करता उसमें। अच्छा, फिर काजल नाम है लड़की का। भैया केस तो 3.5 साल पहले उन्होंने एक लड़की बिठाई थी सिवारे से, उसने भी 3.5 साल की जेल काट का आया।